मानव समाचार मानवता के हक में। आप सभी जानते हैं, हम सभी 12 बलुचदार मित्र मंडल फाउंडेशन के माध्यम से पिछले 6-7 साल से कोई ना कोई जनता के हित में अच्छे से कार्यक्रम करते रहे हैं। कभी अकाल पड़ा 2018 में तो 5 पानी के टैंकर सिंधुताई के हाथ से लोकार्पण किया और 23-24 खेड़े में और 15-20 वाड़ी बस्तियों में मुफ्त पानी देने का काम, पानी पुरवठा जल सेवा हमने 12 बलुचदार मित्र मंडल के माध्यम से की। गरीब के बच्चे आगे जाने चाहिए, इसीलिए स्पर्धा परीक्षा का आयोजन किया पिछले साल। उसका नतीजा ऐसा हुआ कि पहली बार मालेगांव तालुके में 66 विद्यार्थी पुलिस भर्ती में पास हुए। जैसे कि गरीब के लिए सर्वरोग निदान शिविर अभी चंदनपुरी में किया, सभी जाति धर्मों के लोगों ने वहाँ बेनिफिट हुआ। कम से कम 700 मरीजों के लिए उपचार किया और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा ही हुआ। ऐसे बहुत सारे काम हम अपने 12 बलुचदार मित्र मंडल के माध्यम से करते हैं। या इधर के भाग में 2 वैकुंठ रथ, गरीब के लिए कभी किसी की दुर्घटना हुई तो शव पेटी, ऐसे काम चलते ही रहते हैं। और उधर के बाजू में भी आज नहीं, जब मैं किसी लीडर को, किसी पॉलिटिशियन को कोई जात धर्म नहीं रहती। इधर मैं 2009 में जब मैं चुन के आया तो इस मालेगांव की मार्केट कमेटी के इतिहास में, 40 वर्ष के इतिहास में पहली बार इफ्तार पार्टी हुई। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश मैंने यहाँ पे दिया मेरे कार्यकाल में। ये सभी मेरे व्यापारी बागवान भाई को मालूम थे। कुश्ती हो, इज्तिमाई शादी हो, ऐसे अपन काम करते रहते। तो उसी तरीके से आज ये जो उमरा के लिए हम भेजने वाले बड़े पाक और पवित्र और सम्मान के भाव से, तो यही एक जनता की सेवा भाव का ही ये उपक्रम है। ऐसा ही इसका कारण, ये भेजने का सोच ऐसा सामने आया कि मैं हमेशा मालेगांव के नज़दीक चंदनपुरी के मंदिर में जाता था। मंदिर के बाहर एक गिरजा माँ बोल के बूढ़ी माँ है, वो हमेशा वहाँ साफ सफाई करती और उनको आमदनी सिर्फ 1.5-2 हज़ार रुपये ग्राम पंचायत की तरफ से। तो मैं हमेशा निकलते वक्त उसको 50-100 रुपये हाथ में देता था। तो जब भी जाता था उनके चेहरे के भाव से मेरे को ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई अपना बच्चा आया, ऐसा उनके मुंह पे मेरे को बड़ा सुकून महसूस होता था और अंदर से बहुत सारी दुआएं मिलती है, आशीर्वाद दे रही माँ, ऐसे मेरे को महसूस होता था। ऐसे 10-12 बार हुआ और एक बार मैं उसकी तरफ रुक गया, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है माँ? तो माँ ने उधर बोला, गिरजा माई ने, ये चंदनपुरी की खंडोबा की बहुत खिदमत कर ली, इधर की साफ सफाई कर ली, रोज दर्शन लेती, लेकिन मेरे को जेजोरी के खंडोबा का दर्शन करना है, वहाँ का मल्हार देखने की तमन्ना है, ख्वाहिश है मेरी। तो मैंने बोल दिया उनको कि कोई बात नहीं, मैं बच्चा समझ के, मैं मेरी माँ समझ के आपको उस यात्रा को भेज दूंगी। गाड़ी में बैठा, चर्चा करते करते मैंने सोचा कि मेरे माता पिता को भी भेजता मैं, लेकिन मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मेरे को मौका नहीं मिला। वो उनके बलबूते पे चारों धाम की यात्रा करके आए, कभी वो नहीं करते थे तो उनकी यात्रा मैं करने वाला ही था और उसको भी मेरे को 2 पैसा खर्च करना ही था। तो मैंने सोचा कि इन सभी जितने भी मंदिर के बाहर झाड़झूड़ करते, साफ सफाई करते, उनको 1.5-2 हज़ार से ज़्यादा आमदनी नहीं, पगार नहीं, ग्राम पंचायत का मानधन नहीं, ऐसे लोगों की जो मंदिर है जो बाहर कर उनकी यादी बनाएंगे, तो वो यादी 25-30 तक चलेगी। कुछ गाँव के लोगों को मालूम पड़ा तो उन्होंने भी नाम दिए। तो मैं इधर के जितने भी तालुके के मंदिर है अच्छे से, वह 50 मंदिर के बाहर जो साफ सफाई करते, कुछ कीर्तन करते, कीर्तनकार गरीब, उनको मिला के 50 लोगों को मैं स्लीपर कोच के VIP प्रवास से भेजने वाला हूँ। और उसका कार्यक्रम मैं 19 तारीख को हमारे बंगले पे किया। हमारे 12 बलुचदार के यहाँ पे शफीक एंटी साहब है, जाबिर भाई है, साबिर हाजी आए नहीं है, मुजफ्फर भाई अभी ज्वाइंट हुए हमको, मिर्जा साहब, जाफर मिर्जा साहब, हम सब मिलके वहाँ पे कार्यक्रम किया और मैंने मेरी बात रखी। मेरी बात खत्म करते ही शफीक एंटी साहब ने वो माइक उठाया, काका तुम जैसे मंदिर के बाहर साफ सफाई करते उन लोगों को भेजने वाले हैं, तो उधर भी मस्जिद में साफ सफाई करने वाले हमारे बांगी भाई है, उनकी भी आमदनी कम है, पगार कम है, तो क्या तुम भेज सकते है क्या? मैंने वो सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैंने उठाया और तब शफीक भाई ने बोला इन सबके सामने, काका मैंने कभी ये बात रख दी होगी तो कोई गुस्ताखी की होगी तो मेरे को माफ कर दो। बोले मैंने सब बातें रख होने के बाद
बातें सुन ली और आखिरी में मैं खड़ा हो गया और मैंने वही पे तुरंत बोल दिया कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, एक पाक और नेक काम के लिए मेरे को आवाज तुमने दिया। और मैंने वही उसी वक्त 100-500 लोगों पे मैं बोल दिया कि भेजने वाला मैं नहीं हूँ, चारों धाम के लिए भी मैं नहीं भेज रहा हूँ, वो बुला रहा है, उसको बुलाना है। ये लोगों के ने जो सेवा की है इनको सबको अल्लाह को परवरदिगार को परमात्मा को बुलाना है यात्रा के लिए, तो भेजने वाला नहीं है, ये अल्लाह ताला का आदेश है, उसको उन्होंने इनको बुलाया है, सिर्फ तुम्हारे मुंह से मेरे लिए वो आवाज दिया है, आदेश दिया है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। बड़े नेक और पवित्र भाई से जैसे मेरे माता पिता को इधर के लोगों को जैसे भेज रहा हूँ बड़ी आस्था से, बड़े आदर भाव से, पवित्र भाव से, वैसे ही मेरे इमाम साहिबा को, साहेब को और जितने भी बांगी है उसमें से वो बांगी भाइयों को मैं मेरे फैमिली मेंबर होके जो बड़े बुजुर्ग हो गए तो उनको मेरे पिता समझ के, माता समझ के मैं भेजने वाला हूँ। ये नेक और पाक काम मेरे लिए होगा, मेरे माध्यम से होगा, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी गर्व की और फक्र की बात है और पुण्य की बात है। पैसा तो कोई भी कमाता है, पुण्य और दुम्बा बहुत सारे कम कमाते हैं, जिस पे अल्लाह की परवरदिगार की परमात्मा की मेहरबानी होगी वही ये नेक काम करेगा। ये सोच रख के ये मेरे को अल्लाह ने मौका दिया है, ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैंने तुरंत बोल दिया। इस कार्यक्रम को अंजाम देते वक्त हमने थोड़ा सा डिसाइड भी किया कि जितनी भी मस्जिद है इसमें कोई पार्सलिटी नहीं होगी, वसीलाबाजी नहीं होगी। 20 इमाम भाइयों को, इमाम साहिबा साहेब को और 10 बांगी को और 10 इमाम साहब को, ऐसे 20 लोगों को उमरा की यात्रा को भेजने वाले का हमने तैयार किया है भेजने का। और ये भेजते वक्त सब जितने भी अपने मस्जिद है तालुके में और मालेगांव में उनकी सब यादी करने के और यादी करने के बाद उनके नाम लेने के, मौलाना साहब की उपस्थिति में और जितने भी मालेगांव में सोशल काम करने वाले अच्छे लीडर है उनकी एक कमेटी बना के 20 लोगों के हाथ से जिसकी चिट्ठी निकलेगी, जिसको परमात्मा परवरदिगार बुलाएगा, मालिक बुलाएगा, उसका नाम उधर से निकलेगा और उसका नाम फाइनल होगा। ऐसा लकी ड्रॉ करके हम भेजने वाले हैं। ये सब देन ऊपर वाले की है, मालिक की है कि ऐसे पाक और निर्मल काम कर लो कि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, भेदभाव भी नहीं होगा, वसीलाबाजी भी नहीं होगा। ऐसे ऐसा मैंने सोच के, हमने सोच के इस नतीजे पे पहुंचे हैं। तो आने वाले दिनों में लकी ड्रॉ के लिए यादें भी निकलेंगी और इसमें मैं आपके माध्यम से बोलूंगा कि ये मेरे अकेले का कार्यक्रम नहीं, ये मालिक ने बुलाया है, जिन्होंने मालिक की खिदमत की, रोज 3 टाइम नमाज पढ़े, वहाँ की साफ सफाई की, जैसे मंदिर के बाहर साफ सफाई करते हैं यात्रा में, सब लोग आते झूठी पत्थर वाली डाल जाते वो सब सफाई करके, उनको आमदनी बहुत कम है। जैसे मेरे बांगी भाई है वह सब साफ सफाई भी करते, टॉयलेट भी, बाथरूम भी साफ करते, सब वजूद के लिए पानी भी रखते, इतना अच्छा काम करते और आमदनी कम है, उनको वहाँ के दरबार में जाना नहीं मिलता। ये अल्लाह ने ये मौका बना के लाया और शफीक भाई के मुंह से वो उन्होंने आदेश दिया, उनका फरमान है, मैं ऐसा सोचूंगा कि ये तेरी जिम्मेदारी है, मैं तेरे को ये मौका देता हूँ, तू इसको कैश कर या नहीं कर ते मेरी जिम्मेदारी। और ऐसे मौके कभी कभी आते नहीं, ये परमात्मा परवरदिगार के अल्लाह का इन्होंने मेरे को मौका दिया है। मैं जैसे इधर के माता पिता को पवित्र भाव से भेज रहा हूँ वैसे ही पवित्र भाव से उनको पिताजी समझ के और भाई समझ के, फैमिली मेंबर समझ के भेज रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं।